तो इस समय पहुंच चुके हैं विवेक कॉलेज बिजनौर, विवेक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि नेशनल हाईवे के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेल रिप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज है। इस समय हम लोग गेट में एंट्री कर रहे हैं। ये कॉलेज जो है फर्स्ट राउंड में ही सीटें फुल हो जाती है। 2016 में स्टेबलाइज ये कॉलेज और 100 सीटों का इंटेक। यहाँ पर नीट क्वालिफाई होकर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इसमें मेडिकल कोर्स के साथ साथ डेंटल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, अदर कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस समय कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हम लोग पहुँच रहे हैं। उस क्लासेस ऊपर लगती है और नीचे सारे डिपार्टमेंट हैं। ये कॉलेज वेल रिप्यूटेड है तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है। और अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो ये फीस इसमें 2,50,000 रुपये फ़ीस है पर ईयर की, ट्यूशन फ़ीस है, और हॉस्टल फ़ीस 5,000 रुपये है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो बाहर भी रह सकते हैं। और इसमें हर तरह का डिपार्टमेंट है, जहाँ पंचकर्मा हो, अग्निकर्म हो, चार तरह का डिपार्टमेंट, 150 बीटेड पंचकर्मा सीटेड अवेलेबल है यहाँ पर। और ये रिप्यूटेशन में ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अब हम पहुँच चुके हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलेज की क्लासेज लगती है। यहाँ पर सारे क्लासेज यहाँ अवेलेबल हैं और रेगुलरली क्लासेज होती है। फैकल्टी अच्छी है, यहाँ पर वेल रिप्यूटेड फैकल्टी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप अच्छा देख सकते हैं। इस समय हम लोग पहुँच चुके रिसेप्शन हॉल में, जहाँ पर सारे लोगों की जहाँ पर एंट्री होती है, जहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग बातें होती है। यहाँ पर ये कॉलेज का ऑनलाइन वर्किंग प्लेस है, जहाँ पर ऑफिशियली स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो, कुछ भी है, जहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग होता है। ये है लाइब्रेरी कॉलेज का, बहुत बड़ा है लाइब्रेरी, और यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। सारे बुक्स अवेलेबल हैं। हम अब पार्किंग जोन में पहुंच चुके हैं, जहां पर कॉलेज का बसेज और एरिया वाइज देखा जाए तो ये बड़ा कॉलेज है। और साथ ही साथ यहां पर MBBS की कोर्स भी अवेलेबल होने वाला है जल्द ही। ये है कॉलेज की ओर, हम अब हॉस्पिटल की ओर पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल थोड़ा दूर है कॉलेज से। इस कॉलेज के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कॉलेज की बात करें इस हॉस्पिटल की, तो इस ये जो हॉस्पिटल है अभी MBBS आने वाला है, तो आपको अगर BMS में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अदर कॉलेज जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज में पेशेंट नहीं मिलता है, यहाँ पर पेशेंट आपको भरपूर मिलने वाला है। तो इस कॉलेज में देखिए, आप देख सकते हैं इस कॉलेज में जल्द ही MBBS आने वाला है, तो इस हिसाब से आपको लिए बेस्ट कॉलेज रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द रिव्यू आर पॉजिटिव, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको दिखेगा ज़्यादातर सब पॉजिटिव रिव्यू दे रखा है लोगों ने, जितने भी बच्चों ने देखा होगा। तो इस हिसाब से आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर रिप्यूटेशन अच्छा है इस कॉलेज का, और लोकेशन वाइज भी अच्छा है। आप अगर बिजनौर साइड